नमस्कार दोस्तों, हमारे पास लैपटॉप और मोबाइल की पुरानी बैटरी तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन इनकी हेल्थ और कैपेसिटी में पता होनी चाहिए ताकि हम इसके हिसाब से इनको हम भी यूज़ कर सकें। तो दोस्तों, इसको पता करने के लिए हम एक सिंपल सर्किट तैयार करते हैं। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त अशोक कुमार और इसको हम फटाफट से बनाते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल विद बेल आइकन। दोस्तों, सबसे पहले हम TP4056 लिथियम बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल विथ प्रिवेंशन इसको लेते हैं, जो कि बैटरी को 3.7 वोल्ट से 4.2 वोल्ट तक चार्ज करता है। तो ये सर्किट मॉड्यूल आपको 100 रुपये तक का मिल जाएगा। और इस सर्किट को माउंट करने के लिए हम एक वायर केसिंग का एक टुकड़ा लेते हैं और इस पर हम इस मॉड्यूल को ग्लू गन की सहायता से इसको हम माउंट कर लेते हैं। इसके बाद हम एक USB फीमेल कनेक्टर लेते हैं और इसे भी हम केसिंग पर माउंट कर लेते हैं। इसको फिक्स करने के लिए दोस्तों थोड़ा सा हम ग्लू यहाँ पे इसको लगा लेते हैं। इसके बाद मॉड्यूल के आउटपुट के जो प्लस और माइनस हैं वो हम यूएसबी के प्लस और माइनस को वायर और सोल्डरिंग आयरन की हेल्प से इसको कनेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों, इसको कनेक्ट करते समय प्लस और माइनस जो टर्मिनल है उनका अच्छी तरह से ध्यान रखना होगा। उसके बाद दोस्तों हम एक लिथियम बैटरी होल्डर लेते हैं और इसको प्लस और माइनस को मॉड्यूल के जो बैटरी के जो टर्मिनल हैं प्लस और माइनस वाले उससे हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। और इसको भी कनेक्ट करते समय हमें इसमें प्लस और माइनस का अच्छी तरह ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों हम इस बैटरी होल्डर को टेप की हेल्प से यहाँ से इस टाइप से जोड़ देते हैं। दोस्तों, अब हमें बनाना है बैटरी डिस्चार्जर। उसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, एक हम यहाँ पे पुरानी यूएसबी केबल ले लेंगे जो कि ख़राब हो चुकी है, और इसका जो हमारा आगे कनेक्टर है उसमें थोड़ा सा वायर रख देंगे और काट लेंगे। बाकी हम बाकी इसके प्लस और माइनस वायर को निकाल करके हम अलग कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम एक 5 वॉट का एक लोड रेजिस्टेंस ले लेते हैं और इसको हम इसके जो प्लस और माइनस इनमें जोड़ देते हैं। दोस्तों, इसमें प्लस और माइनस का जोड़ते समय प्लस और माइनस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी जोड़ सकते हैं आप। दोस्तों, अब बारी है हमारे मेन यहाँ पे जो हमारा डिवाइस है उसकी, यूएसबी टेस्टर के नाम से जो कि है। दोस्तों, करीबन ये 300 रुपये तक का आपको मिल जाएगा। दोस्तों, ये वोल्टेज, एम्पियर, एमएच और टाइम की रीडिंग को यहाँ पे दिखाता है। दोस्तों, हमारा सर्किट लगभग रेडी हो गया है और चलिए अब हम इसको टेस्टिंग पे करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम क्या करेंगे, बैटरी को इस जो हमारा है इसमें लगा देते हैं इसका जो। उसके बाद सबसे पहले दोस्तों हम इस बैटरी की चार्जिंग का जो है वो हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें एक यहाँ पे एडेप्टर की हेल्प से, चार्जिंग एडेप्टर की हेल्प से इसमें मॉड्यूल में इसमें चार्जिंग लगा देते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इसमें जो रेड कलर की एलईडी ब्लिंक, मतलब रेड कलर की एलईडी जो है ग्लो हो रही है, इसका मतलब ये चार्जिंग है। दोस्तों, जैसे ही ये चार्ज होगी पूरी होगी, यहाँ पे जो इसकी ब्लू कलर की जो एलईडी है ये ग्लो हो जाएगी, इसका मतलब हो जाएगा हमारी जो बैटरी है पूरी चार्ज हो गई है। तो दोस्तों, ये तो इसकी चार्जिंग, बैटरी चार्जिंग की प्रोसेस हो जाएगी। अब दोस्तों हम चलते हैं इसकी कैपेसिटी चेकिंग प्रोसेस की तरफ। उसके लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, इसका जो ये जो टेस्टर है, यूएसबी टेस्टर है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस लोड को यहाँ पे लगा देंगे। दोस्तों, जैसे हम लोड को लगाएंगे आप यहाँ पे देख रहे हो इसकी वोल्टेज और एम्पियर यहाँ पे रीडिंग स्टार्ट हो गई है, और ये देखिए आप एमएच भी यहाँ पे ये इसका सोने होने लगा है। यानी और ये जो हमारा मॉड्यूल है ये 3.7 वोल्टेज तक इसको डिस्चार्ज होने देगा, इसका मतलब यह है कि इसको ओवर डिस्चार्ज नहीं होने देगा। तो दोस्तों, जैसे ही ये बैटरी 3.7 वोल्टेज की डिस्चार्जिंग अपनी पूरी करेगी, ये इसमें ऑटो कफ कट हो जाएगा और यहाँ पे जो जितने भी एमएच इसने यहाँ से ट्रांसफ़र किए होंगे वो रीडिंग यहाँ पे शो कर देगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी ये बैटरी कितने एमएच की है। दोस्तों, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होने में चूंकि बहुत सारा टाइम लगेगा इसलिए मैं इसको यहाँ पे नहीं दिखा सकता, लेकिन ये 100% जो है वर्क करेगा। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ऑन माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल ताकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए और बना सकूँ। ओके दोस्तों, थैंक यू।